चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी जनपद शामली के गांव केरटू में इस वक्त मौजूद हूं। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी काम किया जाता है तो हवा हवा ही होता है, लेकिन सोशल मीडिया से कुछ काम ऐसे भी हैं जो जमीन पर उतरते हैं। सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के बीच एक बात पहुँचाते हैं कि शादी यानी एक समाज के अंदर जो बिगाड़ है, महंगी शादियों को कम कैसे किया जाए और अन्य बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई। आज उस सोशल मीडिया ग्रुप की जनपद शामली में दूसरी मीटिंग है। केरटू में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गुजर समाज यानी मुस्लिम गुजर समाज के ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने आज कई घंटों तक इस पर चर्चा की कि कैसे हम समाज को एक नई दिशा दें और शिक्षा को कैसे बढ़ाएं और शादी में कम खर्ची पर भी बहुत अहम मुद्दों पर यानी यहाँ पर बात हुई। सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम आपका? नाम तासिम बाबू, गांव खुरगान। बहुत सारी बार मीटिंग होती है, संगठन बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, बातें होती हैं, जमीन पर क्यों नहीं उतरती? ऐसा है जी, अब हमारी संगठन जो बना है ये लगभग 2-3 महीने से बना हुआ है और इस पे हमारे सभी मुस्लिम समाज के, गुजर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वे सब इकट्ठा हुए हैं और इसमें आज यहाँ पर विचार विमर्श हुआ और इसमें ये तय हुआ कि शादी जो हो वो बिना दहेज के हो। बच्ची है, दहेज लेना और न देना दोनों पर प्रतिबंध लगा गया। इसके हमारी सबकी कोशिश रहेगी और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। बहुत लंबी स्पीच आपने भी दी, कई मिनट तक आप बोले, लगता है कि जो बातें आपने की वो असर करेंगी? देखिए, जो बातें मैंने कही हैं, लगभग हमारा मुस्लिम गुजर समाज इन समस्याओं से पीड़ित है और पीड़ित होने के बावजूद ये जो ग्रुप बना था, सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उस पर इंशाल्लाह चर्चा हुई है विस्तृत, उस पर कामयाबी भी मिलेगी और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह कारवा बनता जाएगा। समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं ये जरूर एक ना एक दिन ध्वस्त होंगी, खत्म होंगी। जी मौलाना कामिल साहब, मुस्लिम गुजर समाज के बहुत बड़े उलमा हुए, बहुत बड़े अकाबिर हुए, उन्होंने एक गौर फिक्र की थी लेकिन वो सिलसिला लगातार जारी है। समाज के अंदर बदलाव क्यों नहीं है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? मौली साहब ने तो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम पहले मेहनत की थी, इसी मुद्दे पे की थी भाई, दहेज के प्रति की थी, शिक्षा के प्रति की थी, बहुत मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है और आगे उनके साहबजादे हैं, मौल साहब हैं, मौल आकिल साहब हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं और साहब भी समाज इस मुद्दे पर जुड़ चुका है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहाँ समाज के कुछ चुनिंदा लोग नहीं हैं बल्कि पूरे समाज के जिम्मेदार लोग हैं, पूरे मुस्लिम गुज्जर समाज के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरे समाज के लोग हैं और अगर कुछ लोग होते तो ऐसा मुमकिन था कि आगे ग्रुप ना चले, मेहनत ना हो या मेहनत हो तो ये काम ना सिरे से ना उतरे, बट इसमें पूरा गुज्जर समाज जुड़ चुका है मेरे हिसाब से, तो कम से कम 600 मेंबर हैं और मेंबर के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्व हरियाणा, तीन डिस्ट्रिक्ट कम से कम, पानीपत, सोनीपत, करनाल से सभी साथी जिम्मेदार समाज के लोग जुड़ चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश और मेहनत बराबर है और कर रहे हैं। दूसरी मीटिंग थी और इसका रिजल्ट भी हमारा आना शुरू हो चुका है और हमारे एडमिन साहब जो हैं इमरान भाई गढ़ीकल्ला से, इनकी मेहनत और मेहनत से इनकी इनके साथी जुड़ रहे हैं और हम सब भी इनके साथ हैं, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपने ग्रुप क्रिएट किया, इतना बड़ा मामला आप लेकर चले, समाज के अंदर इतने बड़े बदलाव की कैसे आपने सोच ली? इसके सोचने का, जैसे हम पश्चिमी यूपी में आते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा से ये प्रथा चली है, इसको जब ये हरियाणा से चली है बीमारी तो हमने सोचा भाई इसको हरियाणा से ही खत्म किया जाए। तो मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, अपने हरियाणा के फिर पश्चिमी यूपी के सभी साथियों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया, फिर हमने ये ग्रुप तैयार किया। ग्रुप तैयार करने के बाद सबके पास मैसेज किया भाई इस पे हम चर्चा करना, मतलब अपनी एक मीटिंग करना चाहते हैं, भाई समाज में जो बुराइयां दहेज की है और भी कई बीमारियां हैं, भाई इसको दिखावा ना करके कम से कम खर्चे में शादी हो, ये जो जिनके यहाँ बच्चियां जवान दोस्तों के गाँव में देहात में उनकी डिटेल ग्रुप में डाली जाए, उनका एक फोटो ना डाला जाए, खाली डिटेल डाली जाए ताकि उनकी प्राइवेसी भी बनी रहे, तो इस को खत्म करने के लिए हमने सोचा। तो कुछ हद तक कामयाबी मिली है? इंशाल्लाह कामयाबी मिली है। कई रिश्ते हमारे अजीज अफजाल हैं किराना से गंदरू वाले, इन्होंने 3-4 रिश्ते करवा दिए हैं और कुर्बान भाई हैं बरल से, उन्होंने भी 6-7 रिश्ते करवा दिए हैं, रिश्ते हो गए हैं, अब इंशाल्लाह शादी भी होगी तो शादी के बाद आपको इंशाल्लाह वो भी बताया जाए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, नशे के ऊपर बहुत सारी बातें हुई,
लेकिन वही समाज के वही लोग नशे को बढ़ावा देते हैं और वही लोग मशवरे करते हैं, ये बहुत कड़वी बात है। क्या इस पर कुछ अमल होगा? मैं नाम तो नहीं लूंगा। मैं अफसर अली एडवोकेट गढ़ी दौलत। मेरा कहना यह है कि जो समाज में नशे का कारोबार कर रहे हैं ना, जो बेच रहे हैं नशा, पहले समाज ने मिलकर जो है वो चिन्हित करने चाहिए और उनके खिलाफ जो है खड़े होकर के जो है कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जो है नशे का जो है ये जो बीमारी फैली हुई है समाज में, तभी ये खत्म हो पाओगी। पहली मीटिंग आपके घर पे हुई थी, तो वहां से कुछ परिणाम बदले? जी इंशाल्लाह, 4-5 शादी लगभग तय हैं और जल्दी शादी होगी, इंशाल्लाह आपको सूचना दी जाएगी। गंगो से जी भाई साहब, किस तरीके का मैसेज आज देखने को मिला? लगता है कि इस जो अमला जो आज इकट्ठा हुआ, जो पब्लिक इकट्ठी, समाज के लोग, तो ये काम अमली जामा पहना दिया जाएगा इस पूरे? बिल्कुल पहना दिया जाएगा। देखो आपने एक बात कही कि धरातल पे उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा इसराइल भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है, फेलियर इज अ की टू सक्सेस, और सफलता जो है सफलता का पहला कदम है, तो असफल भी होंगे, सफल भी इंशाल्लाह होते जाएंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा। अभी आज की मीटिंग से कुछ लोग सपोज दैट ये जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, अगर यही अमल कर ले तो आने वाले टाइम में डोर टू डोर हम इस काम को ले जा सकते हैं। डोर टू डोर हम हर बेटी बहन के लिए इस प्रावधान को जो दहेज पड़ता है उसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। आपने आसिफ भाई एक सुझाव दिया कि गांव के अंदर कमेटी बने और बच्चों को जो है चिन्हित करें, स्कूलों तक भेजें, तो ये आइडिया आप लगता है कि? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाह रहा, अभी आपके चैनल पे बात हुई कि मौलाना कामिल साहब ने मेहनत की, उसका रिजल्ट मिला। पहले दाद दशहरी में बहुत कपड़ा जाया करता था, वो खत्म हुआ। 3 दिन की बरात खत्म हुई मौलाना कामिल साहब और उनके साथियों के द्वारा, मेहनत की गई बिरादरी में, और उन्हीं की बदौलत बहुत शादियाँ ऐसी हैं जिसमें 5 आदमी या 2 आदमियों से शादी होती है। ये उनकी मेहनत का नतीजा है, जिसे ये कहते हैं कि उस मेहनत से कुछ नहीं हुआ। वो मेहनत हुई तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। दूसरी बात यह है जो शिक्षा का है, आज मुस्लिम गुज्जर, अच्छा एक मंडा प्रथा पे भी रोक लगी थी बहुत हद तक, मौलाना कामिल साहब माननीय मजाहिर राणा जी इनके जो पूरे साथियों ने मैं वो की थी, तो उसमें मंडा पे भी रोक लगी थी जैसा मंडा बंदा करता पहले। और जहां तक शिक्षा की बात है, ये हकीकत है कि आज भी मुस्लिम गुज्जर बहुत पीछे है पढ़ाई में, तो मैं तो दिल में यही है कि अगर हम अपने गांव के जिम्मेदार भी साथी जोर लगावें, 2 घंटे एक हफ्ते में लगा दें कि कौन बच्चा स्कूल जा रहा, कौन नहीं जा रहा, कौन पैसे की कमी से बच्चा पढ़ाई से छूट रहा, तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी। क्या कहेंगे आज की मीटिंग पे इंजीनियर साहब? देखो लाख शुक्रिया, ये दूसरी बार हुई है मीटिंग, ये मीटिंग होती रहती है, आगे भी होंगी, लेकिन ये है कि उससे कुछ ना कुछ निकलना चाहिए मीटिंग से। मकसद ये है, जैसा सभी भाई जिम्मेदार हैं, कोशिश कर रहे हैं सब, लेकिन कम से कम एक संदेश ऐसा जाए, एक आदमी कम से कम ये बोल दे कि हाँ भाई मैं 1 रुपए में शादी करूंगा, और मैं इंशाल्लाह आज ऐलान करता हूँ कि मैं 1 रुपए में शादी करूंगा। ये इस टाइप की जो है ऐसी आप शुरुआत करें तो इंशाल्लाह इसका मैसेज जाएगा आगे तक, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कम से कम और कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस होगी हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में, कोशिश हमें जारी रखनी है। अच्छा है ये प्रोग्राम भाई, ठीक है, कहते हैं कि भाई हरियाणा वाले या फला जगह वाले, मुजफ्फरनगर वाले, सहारनपुर वाले, नहीं, ये समाज है, ये पूरी बिरादरी है, संदेश सबके लिए एक ही है, सबकी भलाई का काम है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी, नई बातें आएंगी, और बुराइयों पर इनसे रोक लगेगी। पूरी डिटेल में कहने की तो बात ये है नहीं, हर आदमी ने, हर भाई ने इस बारे में बात की है, मकसद सिर्फ यही है कि कम से कम ये तय कर लो कि भाई एक तो ये है कि दहेज नहीं लेना, एक ये है कि भाई हमें 1 रुपए में शादी करनी है, एक ही है कि लड़की वाला जो है भाई दावत नहीं देगा। तो ये 2-3-4 पॉइंट जो भी है इनको लेके चले, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ हर कई 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 जो है वो कमेटियां बनी हुई है, अलग अलग तरीके संगठन बने हुए हैं, एक संगठन के मामले को दूसरे संगठन में ना घुसाया जा, जो भी चीज है। अब इन भाइयों ने ये चीज बनाई कि भाई निकाह शादी का इसका जो मामला चला है ये अलग मौजू है, हम इस शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो अलग मौजू है, हम नशे पे काम कर रहे हैं वो अलग मौजू है। हर आदमी अपनी अपनी तहरीक को अपने अपने हिसाब से चलाए, हम लोग सब उनके साथ हैं, वो लोग सब हमारे साथ हैं, लेकिन एक दूसरे में क्रॉसिंग ना करें, और ये रुपये पैसे का जो मामला है ये हर जगह ना लाए, ये ठीक नहीं है। जिसको मिलना है इंडिविजुअल जाके मिलो, जिसको देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा। क्या कहेंगे, लगातार गौर फिक्र आपकी भी है, शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए, समाज के अंदर बदलाव कैसे हो, तो आज ये मीटिंग हुई तो इस पर क्या देखते हैं?
जनादेश टीवी का यहाँ आने के लिए चौधरी साहिल साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बिना किसी शको शुबे के आपसे कहना चाहता हूँ कि मौलाना जाहिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जहूर साहब, चौधरी शफकत जंग साहब और मजाहिर राणा जाई, जो इन्होंने मेहनतें की हैं, हजारों परिवार बस चुके हैं इसमें, हजारों लोगों में समझौता हुआ है और हजारों लोग बिना ताम झाम के शादी कर चुके हैं, तो बहुत बदला हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी और भी ज्यादा बदला होगा। एडवोकेट साहब, लगातार आपकी भी कोशिश शिक्षा को बढ़ावा देना और आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो किस तरह से देखते हैं? इंशाल्लाह कोई भी काम है वो जमीनी स्तर पर जमीन पर उतरने के लिए टाइम तो लगता ही है, और लेकिन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम दिख नहीं रहा। अब ये रिश्ते वाला मामला अभी 2 महीने से शुरू किया है इमरान भाई ने और उनके साथियों ने, और इंशाल्लाह इन्होंने 10-12 रिश्ते ऐसे करा दिए जो बिना दहेज के होंगे, उनकी बैठ के तय हुई, कोई लेन देन नहीं होने का, और इंशाल्लाह जल्दी आप देखना 1-2 महीने के अंदर अंदर ये सैकड़े के आसपास ऐसे रिश्ते आपने इसमें दिख जाएंगे कि बिना दहेज वाले या शादी 1 रुपये का रिश्ता हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा। कार इस्लाम साहब, एक संगठन आप चलाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम गुजर कौमी तंजीम ए के नाम से, तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ भी आज उसी गौर फिक्र? देखिए, मुद्दा हमारा सबका एक ही है, पहलू अलग अलग है। पहलू का मतलब ये है कि हमारे भाइयों ने जो ग्रुप बनाया मुस्लिम गुजर रिश्ते के नाम से, तो हमें पता चला हम इसमें ऐड हुए, हमने इनकी तायद की और साथ देने का वादा किया। आज यहाँ जो आए माशाल्लाह तबीयत खुश हुई। देखो, किसी भी तहरीक को चलाने के लिए वक्त चाहिए। बाकी ये जो बीमारी है सामाजिक बीमारी है, हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझे। काम बहुत अच्छा है। साथियों से भी मशवरा है कि ग्रुप पर अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है तो उनका मैचिंग वैसे तरीके से कराएं, लेकिन शर्त ये रखा है कि भाई आपके रिश्ते की डिटेल ग्रुप पर जब डलेगी, जब आप शरी हिसाब से करने के लिए तैयार हो। जो साथी शरी हिसाब से करने के लिए तैयार हैं, लड़की वाले लड़के वाले, तो उन्हीं की डिटेल डाल करके उस पर मेहनत करने में तो फ़ायदा है। और पता चला रिश्ते तो वहाँ से तलाश कर लिए, लेकिन आप शादी शरिया से हट करके कर रहे हो, वो बात ठीक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ नशे के ताल्लुक से बात हुई है, यहाँ जितने भी हमारे सामाजिक और सियासी लोग हैं और धर्म गुरु हैं, इसमें जिम्मेदारों को भी चाहिए कि वो मेहनत करें और मजम्मत करें गलत काम की, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मुस्तकीम साहब, कैसे देखते हैं आज आप भी शामिल हुए? ये समाज सुधार के कार्यक्रमों की एक कड़ी है और जो सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ था, उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, तमाम बुराइयों पे चर्चा हुई और जो भी यहाँ पे जो है रहबर थे, बड़े लोग थे, उन्होंने फैसला किया, हम सब पे हम लोग सहमत हैं और उम्मीद है कि समाज में जो है परिवर्तन जरूर आएगा। तो आपने सुना, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बना रही मेरे साथ, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी।